कड़ी के अचूक उपाय रातों रात बना देंगे आपको करोड़पति। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस संसार में परिवार को चलाने के लिए और घर की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी उसका परिणाम प्राप्त नहीं होता है, या कोई न कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती रहती है जिसके कारण हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती है। इस आपाधापी भरे समय में धन कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है और अर्थ बिना सब व्यर्थ है, क्योंकि जब हम धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोजी रोटी जो है हमारे लिए आवश्यक होती है और रोटी कपड़ा मकान प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता होती है, और जब उसे पैसे नहीं मिलते हैं तो वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। ऐसे में कई प्रकार के उपाय वह करता है, कई प्रकार के ऐसे उपाय खोजता है जिससे उसे धन की समस्याओं से छुटकारा मिल जाए और धन प्राप्ति के अच्छे संयोग बनने लगे। क्योंकि जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कुछ पूर्व जन्म के कारणों से बंधी हुई व्यवस्थाएं रहती है और इन व्यवस्थाओं को खोलने के लिए कुछ उपाय करने होते हैं। सारा माहौल अनुकूल होने पर भी, सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक होने पर भी मेहनत के अनुसार धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। तो इस परेशानी का हल हम आपको बताने जा रहे हैं। ये सरल और सचूक उपाय है जो करने से आपके घर में निश्चय ही धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि घर की व्यवस्थाओं को यदि आप ठीक ठाक कर लेंगे या फिर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपके घर में है जिसको आप ठीक कर लेंगे तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। जब तक हम हमारे घर की नकारात्मकता को नहीं हटाएंगे तब तक हम पॉजिटिविटी को घर में प्रवेश नहीं करवा सकते हैं। पॉजिटिविटी जिस घर में होती है वहीं लक्ष्मी और कुबेर की कृपा होती है। जिस घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है उस घर में धन की कमी नहीं होती है, तथा भगवान कुबेर का भी उस घर के ऊपर भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। वैसे तो घर में शुद्धता और पवित्रता प्रत्येक व्यक्ति को रखनी चाहिए। यदि शुद्धता और पवित्रता नहीं रखेंगे तो घर में नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता बसने लगेगी और उस घर से लक्ष्मी चली जाएगी। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने घर को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, और घर का प्रत्येक सदस्य शुद्ध रहे, पवित्र रहे, तो निश्चय ही आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। और इसके साथ ही कुछ छोटे छोटे अचूक उपाय फिटकड़ी के हम आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय आप अपने घर में करिएगा तो निश्चय ही आपके घर में माता महालक्ष्मी की कृपा होगी तथा भगवान कुबेर का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। ये आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं ये फिटकड़ी से संबंधित उपाय है। ऐसा कहा जाता है कि फिटकड़ी यानी मनुष्य के शरीर को जो फिट करे उसे फिटकड़ी कहते हैं। फिटकड़ी दो प्रकार की होती है, एक लाल रंग की और एक सफ़ेद रंग की। फिटकड़ी का आकार एक प्रकार से पत्थर के जैसा होता है या सफ़ेद नमक के जैसा होता है। पहले ये एल्यूनाइट होता है, इसे फिर रिफाइन करके फिटकड़ी बनाया जाता है, और जो लोग शेविंग करते हैं तो दाढ़ी के बाद में इसे शेविंग पर लगा देते हैं, क्योंकि खून का थक्का जमने से फिटकड़ी रोकती है। इससे दाढ़ी बनाने के दौरान होने वाले कट वगैरह ठीक हो जाते हैं, और फिटकड़ी के कई लाभ होते हैं। तो फिटकड़ी के कुछ विशेष टोटके हैं जो आप पूरे ध्यान से सुने, और हो सके तो आप लिख लीजिएगा। यदि लिख लेंगे तो निश्चय ही आपको ये काम आएंगे और इनको आजमा करके आप अपने जीवन को समृद्ध बना पाएंगे। सबसे पहला उपाय ये है कि यदि आपके घर में बरकत नहीं है, पैसा तो आता है लेकिन पैसा नहीं ठहरता है, या फिर पैसा कमाने में भी बहुत मुश्किलें पैदा हो रही है, बहुत सारा कर्ज आपके ऊपर हो चुका है,
या आपकी दुकान नहीं चलती है, व्यापार स्थल पर बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी महसूस होती है, तो आपको बस उपाय में करना यह है कि दो छोटे छोटे काले कपड़े लीजिएगा और दोनों काले कपड़े में फिटकड़ी बांध लीजिएगा और उनको बांध करके जहाँ आपका मुख्य द्वार हो उसके अंदर की तरफ, जहाँ पर्दे के पाइप का अंतिम छोर हो उस तरफ, दोनों तरफ आपको टांग देना है। यानी काले कपड़े में फिटकड़ी बांध करके मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आपको टांग देना है। ऐसा उपाय आप अपने कार्यस्थल पर, ऑफिस में, दुकान में भी कर सकते हैं। ऐसा करने से उस घर में या उस ऑफिस में या उस स्थल पर जो भी नेगेटिविटी होगी, नकारात्मकता होगी, वह उस घर या दुकान से चली जाएगी और उस घर में समृद्धि का वास होने लगेगा। ये अचूक उपाय है, इसको आप करके अवश्य देखिएगा, क्योंकि हमने भी इसको किया है और इसका परिणाम अच्छा ही हमको प्राप्त हुआ है। फिटकड़ी के टोटके आपको बुरे सपनों से बचा सकते हैं। यदि आपको बुरे सपनों की वजह से नींद नहीं आती है तो एक काले कपड़े में फिटकड़ी का टुकड़ा रखें और इसको अपने सिराने में रख लीजिएगा, यानी तकिए के नीचे आप कहीं पर भी रख दीजिएगा, जिससे बुरे सपनों से आप बच पाएंगे और आपको अच्छी नींद आएगी। घर के बाथरूम में एक कटोरी में, कांच की कटोरी यदि हो तो अति उत्तम है, फिटकड़ी डाल करके रख दे। एक महीने बाद इस फिटकड़ी को बदल दे। फिटकड़ी में वो गुण होता है जिसके कारण वो नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेती है, बाथरूम से नमी भी दूर कर देगा और बाथरूम की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब फिटकड़ी अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। घर के पास खाली प्लाट या शमशान शुभ नहीं होता है। अगर ऐसा घर आपका भी है तो एक कांच की प्लेट में फिटकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े डालें और इसको बालकनी या दरवाजे या खिड़की के नज़दीक रख दे, जहाँ से बाहर की हवा आती हो ऐसे स्थान पर आपको फिटकड़ी रखना चाहिए और प्रत्येक महीने इन फिटकड़ी के टुकड़ों को बदलते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के वास्तु दोष दूर हो जाएंगे और आपके घर में समृद्धि रहेगी। काम में तरक्की के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए, या कोई भी काम में आप चाहते हैं कि बहुत उन्नति हो और प्रगति हो और धन की प्राप्ति हो, तो आपको बस 5 पीले फूल लेना है और 5 फिटकड़ी के टुकड़े लेना है। 5 पीले फूल के साथ 5 फिटकड़ी के टुकड़े आप माँ दुर्गा को चढ़ा दीजिएगा, माँ दुर्गा के चरणों में आप रख दीजिएगा और उसके 5 दिन बाद आप उन जो फूल आपने चढ़ाए हैं उनको तो उठा करके विसर्जित कर दीजिए या जल में बहा दीजिएगा, और जो फिटकड़ी के 5 टुकड़े वहाँ पर रखे थे माता रानी के पास में, उनको उठा करके अपनी तिजोरी में या अपने लॉकर में या अपने धन रखने के स्थान पर आप रख दीजिएगा। ऐसा करने से आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी और आर्थिक लाभ के उत्तम अवसर आपको प्राप्त होने लगेंगे। जब भी आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना हो, नई नौकरी के लिए जाना हो, या फिर आपको किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए जाना हो, या बच्चों को परीक्षाएं देने के लिए जाना हो, तो फिटकड़ी के टुकड़े अपने साथ ले जाए। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, क्योंकि आजकल सभी लोग बिना कर्ज के चल ही नहीं सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा कर्जा आपके ऊपर हो गया हो, कर्जा नहीं उतर रहा है, तो आपको एक पान लेना है, पान के ऊपर फिटकड़ी रखना है और फिटकड़ी के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर आपको डालना चाहिए और उसको ले जा कर के पीपल के पेड़ के नीचे, जो सबसे नीचे का भाग हो, जमीन हो, वहाँ जा कर के उस पान को रख दीजिए और उसके ऊपर एक भारी भरकम पत्थर आपको रख देना चाहिए। ऐसा उपाय आपको 3 बुधवार तक लगातार करना है, जैसे आपका कर्जा उतर जाएगा और आपके घर में समृद्धि आएगी। घर और दुकान में किसी भी कोने में फिटकड़ी का टुकड़ा रखने से वहां के संपूर्ण वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं, इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घटता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में या आपके ऑफिस में, कार्यालय में, फैक्ट्री में या अन्य किसी भी स्थान पर आपको वास्तु दोष बहुत ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पर आपको फिटकड़ी रखना चाहिए और प्रत्येक माह उस फिटकड़ी को बदलते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के और उस स्थान के वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे।
घर में प्रतिदिन पोछा लगता है उसमें नमक और फिटकड़ी तथा गोमूत्र डालना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और घर से सारी बीमारियां भी समाप्त हो जाएगी। यदि आपके ऑफिस में, कार्यालय में, फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है, काम आपका कमज़ोर है और अच्छा काम नहीं चल रहा है, उसमें लाभ नहीं हो रहा है, तो आप अपने कार्यालय के चारों कोनों में काले कपड़े में फिटकड़ी बांध करके लटका दीजिएगा, जिससे वहाँ के वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे, नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। फिटकड़ी के टोटके आपको धन बढ़ाने में मदद करते हैं। फिटकड़ी के टोटके अपनाने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। एक पान के पत्ते में फिटकड़ी का टुकड़ा आपको रख करके अपनी तिजोरी या लाकर में भी आप रख सकते हैं और इसको प्रत्येक माह बदल सकते हैं। इससे धन आपके यहाँ बढ़ने लगेगा और आपके व्यापार में, कार्यक्षेत्र में उन्नति तथा प्रगति होने लगेगी। यदि आपके कार्यस्थल पर आपको लगता है कि कोई बुरी अला बला है, आधी व्याधि है, जिसके कारण आपको यह व्यापार नहीं चलने दे रही है, तो आप लाल कपड़े में फिटकड़ी का टुकड़ा बांध करके मुख्य द्वार के बीचों बीच अंदर की तरफ एक टुकड़ा लटका दीजिएगा, जिससे आपके व्यापार या कार्यक्षेत्र की जो भी नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाएगी और उसमें जो है उन्नति और प्रगति होगी। फिटकड़ी से नज़र भी उतार सकते हैं। फिटकड़ी से नज़र उतारने का अचूक जो उपाय है वह इस प्रकार है। फिटकड़ी के टोटके नज़र उतारने में मदद करते हैं। जिसको नज़र लगती है उसके ऊपर से 7 बार फिटकड़ी का टुकड़ा बार ले। इस फिटकड़ी के टुकड़े को तवे पर अच्छी प्रकार से जला दे। यह नज़र उतरने का अचूक उपाय है, असरदार है, और उसके बाद आप देखेंगे कि वह फिटकड़ी का टुकड़ा तवे पे तड़ तड़ करके जल जाएगा और जब तड़ तड़ करके बहुत ज़्यादा समाप्त हो जाए तब जो व्यक्ति नज़र के कारण परेशान था उसकी नज़र समाप्त हो जाएगी। और ऐसा उपाय बारंबार कर सकते हैं। जब भी नज़र लगे तब तब इन उपायों को आप कर सकते हैं तो उसकी नज़र समाप्त हो जाएगी। छोटे बच्चों की नज़र भी आप इसी प्रकार उतार सकते हैं या बड़े लोगों की नज़र भी आप इसी प्रकार उतार सकते हैं। यानी फिटकड़ी का टुकड़ा उसके ऊपर से उतार करके तवे पे जलाना है। बस यह उपाय आपको करना चाहिए। तो फिटकड़ी से संबंधित जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।